क्या देख रहे हो चनार खान? तुम्हारी ही कब्र। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हई की आने वाली लास्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। हमदा जो दुराब खान के पूरे खानदान को तबाह करने में कामयाब हो गई है, ले लिया है अपना बदला, लेकिन अभी रहता है एक शिकार उसका और वो है चिनार खान। हमदा जानती है चिनार खान को शिकार करना इतना आसान नहीं होगा। हमदा प्लान बनाती है कि चिनार खान को लेकर घर से बाहर जाना होगा। हमदा चिनार खान से कहती है कि मुझे अपने बाबा की कब्र पे जाना है फातिया के लिए। चिनार खान इतना गमजदा होता है कि वो इनकार नहीं कर सका और वो हमदा को लेके जाता है बाप और भाइयों की कब्र पर। हमदा गाड़ी से उतरने लगती है तो खान उसे कहता है कि मैंने आज तक अपने दुश्मन की कब्र पे कभी फातिहा नहीं पढ़ी, लेकिन आज मैं अपनी जमदा के भाइयों और बाप की कब्र पे फातिहा जरूर पढ़ूंगा। जमदा चुनार खान को लेकर जाएगी अपने भाई और बाबा की कब्र पे। तब चुनार खान फातिहा पढ़ रहा होगा, जमदा दूर जाके जमीन पे बैठ जाती है और जमदा चुनार खान की तरफ गन तान लेती है। चुनार खान बड़े गौर से उस कब्र को देख रहा होता है जो जमदा ने खोदी होती है। जमदा भी उसे कहती है, क्या देख रहे हो चुनार खान, ये तुम्हारी ही कब्र है। इस वक्त तुमने मेरे बाप और भाइयों को बेदर्दी से मारा था, मैंने उसी वक्त कसम खाई थी यहाँ पर ही, मैं इनके दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी और मैं आज कामयाब हो गई हूँ। चिनार खान जो हैरत से जमदा को देख रहा होता है, जमदा उसे बताती है कि तुम्हारे में जितने भी जनाजे उठे हैं उसे मैंने ही कत्ल करवाया है, रब्ते में थी बादल खान के, दुराब खान को मैंने ही मारा। चिनार खान जमदा पे गन दान लेता है, जमदा ने पहले ही चिनार खान की गन खाली की होती है और साथ ही जमदा फायरिंग कर देती है चिनार खान पे। यूं चिनार खान शिकार हो जाता है अपनी मोहब्बत ही के हाथ, गोली मार देती है चिनार खान के सबसे छोटे बेटे को भी और वो कामयाब होती है हई करने में और यूं जमदा कर देती है हई का। नाज़रीन आपको ड्रामा कैसा लगा और आपकी राय में क्या सीजन 2 होना चाहिए हई का, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बा आसानी पहुंच सके। मिलते हैं किसी और ड्रामे के रिव्यू पर, तब तक हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।